स्टूडेंट इसके अंदर हमने क्या करना है, इधर प्लस तो हमारा रूम बन गया 72 स्क्वायर मीटर। इसके अंदर डोर विंडो सारे माइनस कर दो। कितने डोर माइनस कर रहे हैं? 8 डोर 1 × 2.1 इतना भी आएगा माइनस कर देना। 4 विंडोज 1 × 1.5 × 4 1 × 1.5। अब अगर आपने इसके लेंटर भी माइनस करने हैं तो लेंटर के साइज भी लिख लेना। डोर के ऊपर लेंटर भी आएगा और आएगा 1.2 × 0.1 आएगा 1.2 × 0.1 × 1 एरिया 1.2 × 0.1 × 4 इन टोटल इनसाइड प्लस्टर मीटर माइनस कर देना, नेट इनसाइड प्लस्टर आ गया। क्लियर है? हाँ जी सर जी। अब स्टूडेंट एक लास्ट आइटम हो रहा है, जो विंडोज होती हैं उसके जैम्स होते हैं, अंदर अंदर जैम्स होते हैं, अंदर अंदर जो इनर सरफेस होती है जैम्स होते हैं, जैम्स को भी प्लस्टर करना होता है। जैसे अगर ये आपकी विंडो है तो विंडो के इधर तो लिंट डाला है, इधर प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है, ये साइडों पे तो अंदर अंदर प्लास्टर करना ही पड़ेगा, ये नहीं। हाँ जी करना पड़ेगा जी। हाँ जी सर। तो ये भी प्लास्टर होते हैं विंडोज में भी और डोर में भी। ऊपर वाला नहीं लेते क्योंकि ऊपर आरसीसी है, लिंटल है। सीधा ही कर रहा हूँ, ये गलत है 1 मीटर, ये गलत है 1.5, 1 × 1.5 × 1.5 सीधा ही कर रहा हूँ, 1 × 1.5 × 1.5 × 1.5 फिर थोड़ा इतनी रहेगी 0.3। क्लियर है? हाँ जी सर जी। ऐसे ही डोर के लिए देखो, डोर का साइज है 1 × 2.1 और के लिए बेस नहीं होगा, ना नंबर होगा, ये रहेगा सिर्फ 1 इसके अंदर 1 नहीं आएगा, इसके अंदर सिर्फ ये वाले आएंगे 2.1 × 2.1 × 0.3। क्लियर है? सिर्फ साइड में करा है, कितनी चौड़ाई में 12 मीटर के बराबर 0.3 ले लीजिए। उसके बाद अगर आपने अलमीरा अलमीरा वैसे इंसिडेंट प्लस्टर हो ही गई है सारी, अलमीरा में नहीं करने की जरूरत क्योंकि इनसाइड प्लस्टर में अलमीरा आ गया, बाकी उसकी शेल्फ आरसीसी की है, उसको नहीं प्लास्टर करने की जरूरत। ये जितने डोर विंडो आ गए इनसाइड जैम वो आपका इनसाइड प्लास्टर में आ जाएगा। क्लियर है ये? हाँ जी सर जी। अब स्टूडेंट देखो इनसाइड प्लास्टर में हमने सारी दीवारें कर ली, सारे डोर्स विंडोज माइनस कर लिए और डोर्स विंडोज के जैम्स भी कर लिए सारे। अब हमने करनी है वो है वाइट वॉशिंग या पेंटिंग। देखो स्टूडेंट जहां जहां पे आपने प्लास्टर करा, चाहे वो इनसाइड रहे चाहे वो आउटसाइड रहे, चाहे इनसाइड रहे चाहे आउटसाइड रहे, जहां जहां प्लास्टर करा वहां वहां पेंट होगा, वहां वहां व्हाइट वॉशिंग होगी। क्लियर है ये? ठीक है जी।
तो जितना आपका इनसाइड प्लास्टर की क्वांटिटी आई उतनी ही व्हाइट वॉशिंग के लिए इनसाइड व्हाइट वॉशिंग आएगी, जितने आउटसाइड प्लास्टर के लिए आई उतनी ही आउटसाइड व्हाइट वॉशिंग रहेगी, क्योंकि जहां जहां प्लास्टर होता है वहां वहां व्हाइट वॉशिंग होती है, पेंट होता है, इसलिए सेम क्वांटिटी होती है प्लास्टर की और व्हाइट वॉशिंग की। क्लियर है? हाँ जी सर जी। सर ग्राउंड के नीचे खड़ी होगा फिर तो ग्राउंड पे आप प्लास्टर कर क्यों रहे हो? किसने कहा है? नहीं कल्ला बोल दा, बोल दे यार। सजड़ी बॉल चले जाओगी ना? बॉल के नीचे मैंने प्लास्टर किया है? मैंने आपको ग्राउंड लेवल के नीचे प्लास्टर कराया है कहीं पे? नो सर। नहीं सर किधर नहीं कराया। अगर तुमने करना है तुम कर लेना, ठीक है? तो आप स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा डिटेल एस्टीमेट था, ये डिटेल एस्टीमेट था ऑफ सिंगल रूम। क्लियर है ये? हाँ जी सर जी। बता रहा हूँ जैसे ये हमने सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली, अब कल्ली कल्ली क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के बाद इसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है। जैसे हमने पहले किया था एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, मतलब जैसे बिल बनता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है। करो नरेश मनचंदा म्यूट कर लो। हाँ जी सर। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में क्या होता है, बिल बनता है जैसे आइटम यूनिट की क्वांटिटी का रेट और अमाउंट। क्लियर है ये? जैसे सपोज कर लो अगर हम सीमेंट कंक्रीट, यहाँ सपोज सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहले आइटम नंबर डाल देंगे, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट लिखेंगे, उसकी रेशो अगर वो 1:18 है तो 1:18 लिखेंगे, उसके यूनिट ऑफ पेमेंट क्या रहेंगे क्यूबिक मीटर, उसके बाद क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी निकली है सपोज कर लो 150 क्यूबिक मीटर तो 150 क्यूबिक मीटर लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे रेट, रेट सपोज कर लो 7500 रुपए पर क्यूबिक मीटर तो 7500 रुपए रेट लिखेंगे, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल देते हैं। क्लियर है ये? हाँ जी सर जी। तो इस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट होता है या ये बिल होता है। अब इसके अंदर जो से ये आइटम नंबर है, वैसे ट्रेडिशन ये कहा जाता है जो सीएसआर में आइटम नंबर है उसी आइटम का, सीएसआर किताब होती है जिसमें सारी आइटम्स के जो से है कंस्ट्रक्शन की आइटम्स के सिविल सीएसआर, तो उसके अंदर सारे रेट गिवन रहते हैं, तो जो सीएसआर में आइटम नंबर होता है वही लिखते हैं, जो सीएसआर में आइटम का नाम होता है वही लिखते हैं और रेट भी सीएसआर वाला लेते हैं। अब अगर सीएसआर जो सा है वो पुराना है, सपोज कर लो 2010-13 का है, तो हर साल उसके ऊपर प्रीमियम लगता है। प्रीमियम मतलब अगर सपोज कर लो 2013 का 2013 का सीएसआर है तो उसके अंदर अगर किसी आइटम का कॉस्ट है 7500 रुपए तो आज की डेट में उसके ऊपर प्रीमियम है 2021 में सपोज कर लो 150%, तो हम उसकी कॉस्ट 150% बढ़ा के यूज करते हैं आज की डेट की कॉस्ट के बराबर। क्लियर है ये? हाँ जी। तो वो रेट लिख के उसको फिर मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से फिर इनके बिल बनाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है जी।